का लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब डेफिनेटली इंडस्ट्रीज आगे प्रोडक्शन कर रही है, बढ़ रही है, तो इनसे पोल्यूशन भी काफ़ी सारा होगा, एनवायरमेंट डिग्रेड भी हो रहा है। तो किस तरह का पोल्यूशन होता है और कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। ऑल द इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ये सारी प्रॉब्लम्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रीज बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर आपके थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं जो पोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन किससे होता है? इज कॉज बाय हाई प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। जो अनडिजायरेबल गैसेस जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन, इसके अंदर आपके सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स दोनों ही होते हैं, चाहे वो डस्ट में हो, स्प्रे मिस्ट, स्मोक। स्मोक बेसिकली आपकी केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स, जो जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है, पकती हैं, रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो बिग और स्मॉल फैक्ट्रीज कहीं भी हो, जो पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ से ये स्मोक एमिट होती है। उसके अलावा टॉक्सिक गैसेस, जो जहरीली गैसेस, अगर वो लीक हो जाती है तो वो भी काफ़ी हजार्डस हो जाती है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि काफ़ी सालों पहले भोपाल में हुई थी, जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो गई थी और वहाँ पे लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, किसी को आँखों में प्रॉब्लम है या स्किन को लेकर इरिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ये एयर पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, उसके अलावा एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग सबको इफेक्ट करता है। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि ताजमहल का जो वाइट मार्बल है वो पीला पड़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। काफ़ी सारे जानवर दूषित पानी पीने से मर गए, या उनको अच्छी खासी घास वगैरह वो नहीं मिल रही है, आसपास ज़मीन में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका है वाटर पोल्यूशन, जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस, अगर हम इनको बिना फिल्टर करे डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। मेन कल्प्रिट्स कौन कौन से मेन गुनहगार हैं इनके? पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोल रिफाइनरीज, टेनरीज, इलेक्ट्रोब्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ से भी डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, सब चीज़ें निकलती हैं, जैसे लेड, मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक्स एंड रबर, ये सारी अगर वाटर बॉडीज़ में जाती हैं तो वो वाटर को नुकसान पहुँचाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं सेडिमेंट्स के तौर पर, और जो वहाँ के प्लांट्स वगैरह हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। टेनरीज होती हैं जो वहाँ पे जो लेदर है उसको क्लीन किया जाता है। फ्लाई ऐश, उसके अलावा उड़ती हुई जो राख वगैरह होती है, फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग्स, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री से बारीक कचरा निकलता है जिसमें स्टील और आयरन होता है, वो मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया के अंदर, ये जो रिवर बेड है उसमें जम जाता है नीचे। फिर थर्मल पोल्यूशन क्या है? ये वाटर में बेसिकली कहाँ से अकर होता है? व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, जब थर्मल प्लांट से और फैक्ट्री से गर्म पानी हम सीधे रिवर्स और पॉन्ड्स में भेज देते हैं बिना कूलिंग करे, तो वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला कचरा, वो अगर हम पानी में छोड़ते हैं तो उससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट ही हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकते हैं, यानी आज बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा बर्थ लेने से पहले ही बच्चा मर सकता है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड दोनों ही, क्योंकि ज़मीन और पानी पास पास होते हैं तो एक चीज़ अफेक्ट होगी तो दूसरे पे उसका असर पड़ेगा ही। सॉइल देन डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली अगर हम कचरा जैसे ग्लास है, हार्मफुल केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, पैकेजिंग सॉल्ट, गार्बेज, इन सब को हम सॉइल के अंदर ऐसे ही फेंक देते हैं तो सॉइल यूजलेस हो जाएगी। रेन वाटर परसोलेट टू द सॉइल, अब रेन वाटर जो है उस कचरे को, उस गंदगी को अपने साथ अंदर एब्जॉर्ब करेगी सॉइल, और वो ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी पोल्यूट हो जाएगा। फिर नॉइस पोल्यूशन देखते हैं, ये बेसिकली इसके क्या क्या असर होते हैं? इरिटेशन एंड एंगर, जब हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनते हैं तो हमें इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब नॉइस पोल्यूशन क्या है? बेसिकली अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ये इरिटेट करता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरीज हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं,
जनरेटर्स हैं, सोज एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? एवरी लीटर ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आर इंडस्ट्री, हर एक लीटर गंदा पानी जो इंडस्ट्रीज से सीधे साफ पानी में जा रहा है, वो उस पानी की क्वांटिटी, जो पानी है फ्रेश वाटर, उसको 8 गुना ज़्यादा गंदा कर देगा। इसको रोका कैसे जाए? तो यहाँ पे कुछ सजेशंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर, हमें वाटर का यूज़ कम से कम करना है, उसके अलावा जो यूज़ हो रहा है उसको रीयूज़ और रिसाइकिल करना है 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस के अंदर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है ताकि वाटर रिक्वायरमेंट्स हमारी ऐसे ही पूरी हो जाए। ट्रीटिंग हॉट वाटर, हॉट वाटर को सीधे नदी और तालाब में जाने से पहले उसको ठंडा करना है। एफ्लुएंस जो कचरा जो भी है उसको छानना है, पहले अलग करना है। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को कैसे ट्रीट करा जाए, तो 3 फेजेज आपको दे रखे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्क्रीनिंग, छन्नी लगाते हैं छानने के लिए, ग्राइंडिंग और ज़्यादा उसको मिक्स कर दो, फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो कचरा नीचे जम जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकता है, जैसे कई बार ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो गंदगी खा जाते हैं, इस तरह से। टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल सभी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी रिसाइकिलिंग ऑफ फ्रेश वाटर, वेस्ट वाटर होता है। उसके अलावा अगर हम ओवर ड्राइंग करते हैं ग्राउंड वाटर की, यानी हम बहुत पानी एक्सेस में ज़मीन में से निकालते हैं जितना हम हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिड्यूस होता चला जाएगा और गंदगी जो है बढ़ती चली जाएगी, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स, उसके अलावा जो पोल्यूशन एयर में जा रहा सीधे, उसमें भी हम क्या करेंगे, फिटिंग स्मोक स्टैक्स, जैसे उसमें भी हम फिल्टर्स वगैरह लगा देंगे, प्रेसिपिटेटर्स लगा देंगे, कपड़े की बारीक जालियां होती है ताकि मोटा कचरा नीचे रह जाए, सिर्फ धुआं धुआं बाहर निकले, तो स्क्रबर्स वगैरह हम लगा सकते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, उसके अलावा कोल की जगह हम ऑयल और गैस का इस्तेमाल करेंगे तो भी स्मोक कम होगी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इनको भी हम जनरेटर्स के साथ में फिट करें, साइलेंसर्स के साथ में, तो आवाज़ कम होगी। जितने भी मशीन्स हैं उनको हम रीडिज़ाइन करें, अच्छी एफिशिएंसी वाली मशीन्स का इस्तेमाल करें ताकि नॉइज़ कम से कम हो। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स सेपरेटली यूज़ करने के बदले हम क्या करें, एक साथ वहाँ पर कुछ ऐसा इंस्टॉल करें कि वो नॉइज़ वहीं पर ही कंट्रोल हो जाए। तो इन सब को कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी ओवरकम हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको NTPC पावर प्लांट का आपको दे रखा है। NTPC एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया के अंदर, जिसको ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001 के तरह मिला हुआ है। ये कॉरपोरेशन बेसिकली प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है अपने नेचुरल एनवायरमेंट को बचाने के लिए, अपने जो आसपास के रिसोर्सेज हैं वाटर, ऑयल, गैस, इन सब का ध्यान रखती है। फ्यूल कहाँ पे कचरा डालना है, कैसे डम करना है, कैसे रीयूज़ करना है, इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखती है। अब कैसे पॉसिबल करा इसने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वाले, उनका इस्तेमाल किया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते हैं। उसके अलावा वेस्ट जनरेशन मिनिमाइजिंग होता है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है ऐश का। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, आसपास ग्रीन बेल्ट्स यानी बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं, और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी लगा रखे हैं जो कि टाइम टू टाइम अफॉरेस्टेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको राम गोदाम प्लांट जो है उसका पिक्चर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। देन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकिलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए इन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल में कर रखा है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते रहते हैं, रिव्यूज देते रहते हैं, जहाँ जहाँ इनके पावर स्टेशन हैं इंडिया में, जहाँ जहाँ ब्रांचेस हैं, पूरा डेटा बेस मैनेजमेंट चलता है, इनका पूरा कंट्रोल रखते हैं कि एक्सेस पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है।